हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं बात करूंगा इस गर्मी में बाल को कैसे बचाए, कैसे उसको ठीक ठाक रखें और हेल्दी रखें। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों का कॉल आ रहा है कि उनका बाल एक स्ट्रोक में मर गया है, बाल जो बहुत फूल रहा है, एक कोने में बैठा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो जो चीज़ उसको फॉलो करना चाहिए वो आपको भी फॉलो करना चाहिए ताकि आपका बाल एक्टिव भी रहे, एक्सपर्ट भी ना हो। पहला चीज़ जो आता है हीट मेंटेन करना। आपके एरिया में देखना पड़ेगा कितना हीट हो जाता है, राइट। मैक्सिमम 35 होने से चलेगा, बात सह लेगा, लेकिन कितने देर तक रहता है वो डिपेंड करता है। अगर ज़्यादातर 35 डिग्री रहेगा तो बाल के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आइडियल होता है 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 आइडियल होता है। इसमें बाल से कोई परेशानी नहीं होगी इस गर्मी में, लेकिन वो भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग का एवरी का जो डिज़ाइन होता है वो कभी कभी गलत होता है, कभी कभी सही हो जाता है। तो उसको देखना पड़ेगा आपका जो एवरी का जो इन और आउट होने का जो हवा का पास होने का जो जगह है वो अच्छी तरह से है कि नहीं। एग्जिट में एक होना चाहिए, वो एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, और ओपनिंग में जहाँ एंट्री हो वहाँ पे एक ओपनिंग एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पहली चीज़ है डाइट को छोड़ दीजिए और दूसरी चीज़ को मेडिसिन वगैरह सबको छोड़ दीजिए। पहली चीज़ है इन टेम्परेचर। टेम्परेचर आप अगर मेंटेन कर लोगे आपके एवरी में तो आपका बर्ड्स हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा और एक्सपर्ट भी नहीं करेगा। दूसरा चीज़ आता है डाइट। अभी डाइट को लेकर बहुत सारा थ्योरी है। कभी बहुत लोग बोलते हैं गर्मी में डाइट ना देने के लिए, जो सॉफ्ट फूड होता है वो ना देने के लिए, ताकि बाल्स में पॉटी का वगैरह चांस हो जाता है, बाल्स एक्सपायर भी कर जाता है। तो मेरा थ्योरी कुछ अलग है क्योंकि ये जो महीना होता है अप्रैल मई जून, इस महीने में बाल्स को जो बहुत सारा प्रोटीन चाहिए, बाल्स मोल्डिंग भी करता है इस टाइम पर, बाल्स हेल्दी रखना है। क्योंकि इस सीज़न के बाद बाल्स को ब्रीडिंग सीज़न आना है, तो ब्रीडिंग सीज़न के आने से पहले तो बाल्स को बहुत अच्छे से खिलाना चाहिए ना। तो मेरे मुताबिक आप सॉफ्ट फूड दीजिए, सब कुछ। मैं फूड भी देता हूँ, गाजर भी देता हूँ, पुदीना भी देता हूँ, जो भी सॉफ्ट फूड होता है भुट्टा भी देता हूँ, लेकिन थोड़े कम क्वांटिटी में, ताकि एक घंटे के अंदर पूरा खाना खत्म हो जाए इतनी क्वांटिटी में देता हूँ। क्योंकि इसी टाइम पे उसको मोल्टिंग भी होना है और जो बच्चे बर्ड्स है उसको भी हेल्दी और बड़ा होना है, साइज में भी बड़ा होना है। तो इस टाइम पे अगर नहीं दोगे बर्ड्स तो कब दोगे, राइट। ब्रीडिंग सीजन में तो हम नहीं दे पाओगे, तो ब्रीडिंग सीजन पहले तो बर्ड्स को रेडी करना चाहिए ना। तो बर्ड्स को जो डाइट है वो सब कुछ दीजिए लेकिन मेंटेन करिए। हाँ, इसमें से क्या आपको ऐड करना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है किसी भी दुकान में मिल जाएगा, 17 से 18 रुपये में आता है। एक दिन करके छोड़ के उसको दीजिए। उसके बाद ग्लूकोन डी, आपको बहुत सारे ग्लूकोन डी का मिल जाए तो प्लेन वाला ग्लूकोन डी खरीद दीजिए। एक दिन करके दीजिए, एक दिन ग्लूकोन डी पानी वाला दीजिए, दूसरे दिन फ्रेश पानी दीजिए, फिर एक दिन इलेक्ट्रोलाइट दीजिए, ऐसा करके दीजिए। फूड में आपको क्या, पुदीना देना चाहिए, गाजर देना चाहिए, और वाटरमेलन आपको दीजिए, जो तरबूज होता है, जो बॉडी को ठंडा रखता है, ये आप दीजिए। और ओरेस्ट भी आप दे सकते हो, कोई भी ओरेस्ट चलेगा, ताकि बर्ड्स के अंदर जो डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा। अगर बर्ड्स डिहाइड्रेट नहीं होगा तो बर्ड्स एक्टिव रहेगा, अगर डिहाइड्रेट हो जाएगा तो बर्ड्स एक्सपायर होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। और तीसरा चीज़ है जो शावरिंग का आता है। अभी सब पूछेंगे शावर कब करना है, जब गर्मी खूब बढ़ रही है 11 या 12 बजे तक, उस टाइम आपको बर्ड्स को नहलाना है या सुबह तो 8-9 बजे या शाम को 6 बजे के बाद बर्ड्स को नहलाना है। देखिए, अगर इतनी गर्मी के अंदर एक 11 बजे दो बजे आप जब बर्ड्स के अंदर बर्ड्स के ऊपर पानी स्प्रे करो ना, बर्ड्स इधर उधर उड़ते चला जाएगा, वो बहुत एक्टिव रहेगा, बहुत दौड़ झाँप करेगा, इसमें बर्ड्स के अंदर स्ट्रेस बहुत आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ इधर आप सुबह 9 बजे या 8 बजे नहला दो, नहीं तो शाम के 5-6 बजे के बाद बर्ड्स को नहला सकते हो, ठीक है। क्योंकि बर्ड्स के अंदर जो हम लोगों का जैसे पसीना का ग्लैंड होता है, हम पसीना से आपको बॉडी हीट कंट्रोल करते हैं, लेकिन बर्ड्स के अंदर तो पसीना नहीं होता, उसका तो ग्लैंड नहीं है, उसको कैसे उसको हीट मेंटेन करते हैं। आप देख पाओगे बर्ड्स जब उसको बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, उसका दाना खुल जाता है, मुँह से वो हवा निकलता है, मुंह खुला कर बैठता है, उसका जो रेस्पिरेटरी ग्लैंड है उससे वो उसको हीट को मेंटेन करता है। तो ये जो रेस्पिरेटरी ग्लैंड है जहाँ से बर्ड्स को बहुत सारा बीमारी बैक्टीरिया आता है। तो ज़रूर आपका टेम्परेचर जो मेंटेन कीजिए, ये इलेक्ट्रोलाइट, ओआरएस, तरबूज, पुदीना, गाजर, जो भी ठंडा चीज़ है, क्यूकम्बर, जो खीरा होता है, आप दीजिए ताकि बर्ड्स का बॉडी ठंड रहे। और एक चीज़ ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए, वाटर चेंज। अब कोशिश करिए दिन में 2 बार वाटर चेंज कीजिए, क्योंकि इस गर्मी के अंदर बार से वाटर जो बोल होता है नहाने के लिए जाता है, उसमें पॉटी कर देता है, तो इसमें बैक्टीरिया भी बहुत आ जाता है। अगर कोशिश करिए दिन में 2 बार वाटर चेंज करने के लिए तो बर्ड्स भी एक्टिव रहेगा। और एक जो चीज़ होता है इस गर्मी के अंदर आपको नहीं करना चाहिए वो है ट्रैवलिंग बर्ड्स को लेकर।
क्योंकि बहुत सारे ब्रीडर्स है, बहुत सारे जो न्यू फैंसियर्स है वो बाट खरीद रहे हैं, सेल करते हैं, तो इस गर्मी के अंदर बाट का जो ट्रैवल होता है एक जगह से दूसरा जगह, इसमें भी बाट बहुत फ्रेश में आ जाता है और गर्मी के कारण एक्सपायर भी हो सकता है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, बाट्स के जो केज है उसमें कभी वो इस गर्मी के अंदर ओवर क्राउडेड मत कीजिए। अगर दो बर्ड्स रखने की जगह है तो दो ही बर्ड्स रखिए, तीन बर्ड्स मत रखिए, उसको फ्लाइट दीजिए, ठीक है। क्योंकि इस गर्मी के अंदर अगर आप भी सोचना एक घर में अगर 10 आदमी को आप रख दोगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगा, सेम बर्ड्स के लिए भी होता है, तो ऐसा ध्यान में रखिए, ओवर क्राउडेड मत कीजिए। और क्लीनिंग जो होता है वो मस्ट है इस गर्मी के अंदर, रेनी सीजन भी आ रहा है, क्लीनिंग आपको ज़रूर करना चाहिए हफ्ते में 2 दिन। इसमें उसका जो ट्रे होता है, जो दाना का बोल होता है, पानी का बोल, एवरी हफ्ते में 2 दिन जरूर जरूर आप क्लीन कीजिए, ताकि आपका बर्ड्स भी एक्टिव रहे, उसका ब्रैक्टेरियल इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि इसी टाइम पे जैसे मैंने आपको बोला, बर्ड्स की गर्मी को निकालने के लिए बॉडी से वो रेस्पिरेटरी ग्लैंड्स, आप मुंह खुला के मुंह से बहुत ज़्यादा सांस लेता है, तो अगर इसमें बैक्टीरिया हो जाएगा तो बर्ड्स को भी इन्फेक्शन हो सकता है, बर्ड्स एक्सपायर भी कर सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे तो गर्मी के अंदर आपके बर्ड्स एक्सपायर नहीं होगा और अच्छे भी रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।